सिस्टर, आप मुझे बताएं कि आपकी अम्मी कह रही है कि इनकी शादी भी होने वाली है, तो आपके पास, आप लोग के पास जहेज के लिए कोई सामान नहीं है आपके पास? नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईना दखलतुर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दखलतुर का मकसद ये है मुआशरे की इक्कास करना। नाज़रीन, एक छोटे से घर पे हम मौजूद हैं, एक माँ जी और साथ में एक सिस्टर हैं। तो रात का बहुत लेट टाइम पे हम यहाँ पर आ गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी भी है। तो एक माँ जी हैं, इनका कफाला करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी बेटी की जो शादी है इनके लिए जहेज़ का कितना सामान चाहिए। ये जो सिस्टर है इनकी शादी होने वाली है और ये कहती है कि मैं, मुझे इनके लिए जहेज़ के लिए सामान चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका कोई बेटा है? हाँ जी, दो बेटे हैं, तो एक नशा करता है। एक नशा करते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक कोटी में रहता है। वो जो कोटी में रहते हैं वो क्या काम करते हैं? वो उधर से सफाई सफुई बस बर्तन बर्तन धो लेते हैं। उनको पैसे वगैरह कितने मिलते हैं? 5,000 रुपया। और उसकी एज कितनी है, उम्र? उम्र उसकी है तकरीबन 14-15 साल है। 14-15 साल। माँ जी, आप लोग यहाँ इस घर में, ये रास्ते में जो इसका दरवाज़ा भी टूटा फूटे हुए है, आपके साथ जवान बेटी भी हैं, आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ जी, अकेले रहती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, पोते हैं। आपका हस्बैंड पोत हो चुका है? हाँ जी, उसको 1 साल से 2 माह हो गए हैं। तो मैंने बच्ची की शादी करनी है, मुझे थोड़ी सी अमदाद चाहिए। अच्छा, आप जो शादी करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? बस खाने पीने के लिए भी जो बराती आने हैं उसका बंदोबस्त हो जाए, जो अगर कोई सामान दे सकता है तो वो दे दे, कोई हेल्प कर दो, हमारी बड़ी मेहरबानी। माँ जी, आपकी जो ये बेटी है ये तो उम्र से बहुत कम लग रही है और आप कहते हो कि महीना 2 महीने बाद इसकी शादी है। हाँ, तो इसकी उम्र बराबर है? हाँ जी, 18 साल की हो गई है। अच्छा, 18 साल की हो गई। हाँ जी। और स्कूल पढ़ती हैं? हाँ जी, स्कूल भी पढ़ती हैं, कुरान पाक भी पढ़ी हैं। अच्छा। अभी, हाँ जी, अभी पढ़ती हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका बेटा जो है, जो नशी है, उसमें कोई गैरत, कोई हिम्मत, कोई वो नहीं करता मेरे साथ? वो बस कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी अभी थोड़ी देर हुई है आए, तो फिर चले गए वापस। वो ये अपने बहनों को मारता पीटता है? हाँ जी, मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करता है। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आप मुझे बताएं कि स्कूल पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 5th क्लास। 5th क्लास में। सिस्टर, आप मुझे बताएं कि आपकी अम्मी कह रही है कि इनकी शादी भी होने वाली है, तो आपके पास, आप लोग के पास जहेज़ के लिए कोई सामान नहीं है आपके पास? नहीं। और जहाँ पर आपकी शादी हो रही है रिश्तेदार है? जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहती है सिस्टर? आप, माँ तो आपकी बेचारी गरीब हैं, भाई नशे ही हैं, बाप फोत हो चुका है, एक भाई जो है वो कोटियों पे काम करते हैं, तो आप लोगों का गुजारा, पेट रोटी वगैरह का गुजारा कैसे चल सकते हैं? अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह चलाई जा रहा है हमारा गुजारा। आप कोई सिलाई वगैरह करती हैं? नहीं। कोई काम हुनर है आपका? अच्छा, आप लोग ये जो मंजी पर सोए हुए हैं, तो आपके लिए कोई तकिया वकिया नहीं है? नहीं। ये जो जिस क्वार्टर में आप लोग रहते हैं इसका कोई किराया वगैरह कितना देते हैं? वैसे किसी ने बैठाया, फ्री बैठाया। फ्री में बैठा है? हाँ, ये बत्ती का बिल दे। बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या करें? बस मेरी मम्मा जो कह रही है कर दे मुर्गा। अच्छा नाजरीन, हमारी गुजारिश है कि ये जो सिस्टर है इनके भाई का आसरा नहीं है, बाप का आसरा नहीं है, और इनका बाप का और भाई का आसरा आप लोगों ने बनना है। इनके लिए जहेज़ के लिए सामान चाहिए। अगर कोई हैं बारातियों को, बारातियों के जो हैं उनके लिए, या कोई जहेज़ का सामान के लिए, आप लोगों से इल्तिजा है कि कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।